हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड। और यहाँ पर ये फैन वगैरह साफ कर रहे हैं। ये जो क्लिप है ये इनकी छुट्टी वाले दिन की क्लिप है, संडे की क्लिप होगी शायद, तो मैंने इस व्लॉग में ऐड कर दी है क्योंकि इनका बड़ा मन था कि मैं जब फैन क्लीन कर रहा हूँ तो मेरी वीडियो बनाओ, तो इन्होंने चला के मुझे बोला कि मेरी वीडियो बनाओ, तो ये क्लिप ऐड करना तो बनता था। और मुझे बड़ा सुकून मिलता है जब ये साफ सफाई करते हैं या क्लीनिंग का काम करते हैं ना, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। तो चलिए, ये तो मजाक की बात थी। तो यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ तवा भिंडी फ्राई बना रही हूँ। इसके लिए मैंने सारे मसाले ले लिए हैं, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर और गरम मसाला। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी नींबू का रस और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे ना, तो फटाफट से भिंडी को ना हम फिल कर लेंगे। और भिंडी को मैंने पहले से ही धो करके और थोड़ा सा सुखा कर और फिर बीच में कट लगा लिए थे, और अब मैं इसमें जो है फिलिंग फिल कर रही हूँ। तो मैंने सोचा, चलो काफ़ी टाइम से रेसिपी शेयर भी नहीं की है और मैंने ये न्यू रेसिपी है, मैंने अपने व्लॉग में कभी शेयर नहीं की है, तो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, तवा भी हमारा गर्म हो गया है और इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया, 2 छोटे चम्मच। ये बहुत कम ऑयल में बन जाती है वैसे, 4 से 5 छोटे चम्मच होते हैं ना, उसमें ही बस ये सब्जी बन जाती है। तो बस इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर रखना है हमें, तवे में इस तरीके से भिंडी रख देनी है। और फिर जब भिंडी रख देंगे तब 1 से 1.5 चम्मच ऑयल थोड़ा सा और ऐड करना है। उसके बाद जो मसाला बचा था ना, वो भी मैंने इसके ऊपर से ऐड कर दिया है और 1 से 1.5 चम्मच ऑयल फिर से ऐड किया। बस इतना ही ऑयल लगता है इसमें और बिल्कुल सूखी सूखी सब्जी बनती है और फटाफट से बन जाती है लो टू मीडियम फ्लेम पर। और भिंडी तो पकती भी जल्दी है और ये सब्जी ना टेस्टी भी बहुत लगती है। आप दाल के साथ बनाइए इसे या साइड सब्जी के तौर पर भी आप बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। ट्राई नहीं किए तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ पर दोपहर का टाइम हो चुका है और मैं यहाँ पर थका स्टिकर लगा रही हूँ, जो स्टिकर मैंने मंगवाया था ना इसकी वॉल के लिए। तो काफ़ी दिनों से अथक बोल रहा था कि मम्मा लगा दो, लेकिन वो ये टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने सोचा चलो आज ये वाला काम भी कर देते हैं, अथक भी खुश हो जाएगा। तो फिर अथक भी आ गया था मेरी हेल्प करवाने के लिए, तो हम दोनों ने मिलकर ना ये स्टिकर लगा लिया। और अब अथक थोड़ा बड़ा हो रहा है तो मेरी बहुत से कामों में हेल्प भी करता है, बहुत सहारा लग जाता है मुझे। छोटे छोटे बहुत से ऐसे काम होते हैं जो अथक ही कर देता है, मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ चीज़ों को पकड़ाना है या कुछ चीज़ें यहाँ से वहाँ रखनी है, तो इन सारे छोटे छोटे कामों में अथक मेरी बहुत हेल्प करता है। तो ये देखिए, यहाँ पर स्टिकर भी, अथक ने भी आधे से ज़्यादा इसने ही लगाया था अपना स्टिकर। तो ये देखिए, स्टिकर भी हमारा लग चुका है, बताना ज़रूर कैसा लग रहा है। इसके बाद मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की, मैं आपसे मिलूँगी सीधा मॉर्निंग में। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है, जैसा कि आप लोगों ने मेरी किचन डीप क्लीनिंग और किचन टूर देखा होगा, तो ये बस मैं किचन डीप क्लीनिंग कर रही थी, साथ ही साथ पिछला व्लॉग भी मैंने सोचा कंटिन्यू कर लेंगे। तो ये व्लॉग आपने अलग से देख ही लिया होगा, ये मैंने कल ही लाइव कर दिया था। और यहाँ पर जो है किचन डीप क्लीनिंग वगैरह की, उसके बाद कपड़े धुल दिए थे मैंने। हालाँकि कपड़े धुलने में मुझे थोड़ी सी लेट हो गई थी क्योंकि किचन साफ़ करना भी ज़रूरी था, कपड़े वगैरह तो डेली रूटीन के ही काम होते हैं, तो चलो मैंने कहा पहले किचन साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, तो वो वाला काम मेरा निपट चुका है। और यहाँ पर बस मैंने थोड़े ही कपड़े थे तो वो धुल दिए हैं और सुखा भी दिए हैं। सो हाय फ्रेंड्स, और अभी मैं बहुत थक गई हूँ, काम तो मेरे सारे हो चुके हैं लेकिन थकान बहुत ज़्यादा हुई। आज किचन की डीप क्लीनिंग की ना, उस वजह से बहुत थकान हो गई और फिर कपड़े वगैरह धोए। और अभी मेरा एक पार्सल आया है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, दिखाती हूँ आपको। ये आई शेडो मैंने मंगवाए थे अमेजोन से मंगवाए थे, तो इसको देखते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। और इसका प्राइस भी अभी बताती हूँ, ये 130 का पड़ा है मुझे, और ओपन करके देखते हैं इसे किस तरीके के आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, ओपन करके देखते हैं। और ये रहा मेरा आई शेडो पैलेट। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी आई शेडो पैलेट मंगवाना है, फिर मैंने कहा चलो दिवाली के आसपास मंगवाते हैं, हो सका तो आप सबके साथ मेकअप लुक भी दिवाली का शेयर कर दूंगी, हो सका तो पक्का नहीं कह सकती। तो ये देखिए, इसमें 12 कलर आए हैं, आप देख सकते हैं, और सारे कलर काफ़ी अच्छे हैं।
12 कलर ही है ना, मैं काउंट कर रही थी तो 12 कलर हैं और काफ़ी अच्छा कलर, बहुत अच्छे हैं सारे ही अच्छे कलर। तो और उसके बाद मैं यहाँ पर जो है नमकीन बनाने की तैयारी मैंने शुरू कर दी थी। तो मैंने ये लगभग 1 किलो मैदा लिया है, अजवाइन इसमें ऐड कर दी है और नमक ऐड कर देंगे, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। मैं थोड़ा नमक कम रखती हूँ क्योंकि ऊपर से मैं जब बन जाती है ना नमकीन तो फिर मैं काला नमक डालती हूँ तो उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे, उसके बाद मोयन ऐड कर देंगे। तो मोयन थोड़ा सा ज़्यादा रखना चाहिए जिससे कि हमारी जो नमकीन है वो खस्ता बने। तो यहाँ पर मोयन भी ऐड कर देंगे। फिर मैंने डो लगा लिया था, उसकी कोई वीडियो क्लिप नहीं ली और यहाँ पर फटाफट से मैं बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है नमकीन। तो आज ये वाली नमकीन बनाऊँगी, हालाँकि इतनी कम नमकीन से पार पड़ने वाली नहीं है क्योंकि घर में भी सब लोग खाते ही हैं, फिर मेहमान भी आते हैं तो बहुत सारी बनानी पड़ेंगी एक बार। तो एक बार बस शुरुआत कर दी कि चलो नमकीन बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी जो नमकीन है वो बनकर रेडी हो गई है। ये मैंने बनाई है आज, इतनी बनाई है 1 किलो मैदे की, और कल मैं दूसरी नमकीन बनाऊंगी क्योंकि आज तो मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ। मैंने एक शुरुआत कर दी है कि चलो आज से नमकीन बनाना भी स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि आज मैंने डीप क्लीनिंग की थी किचन की और आज ही वीडियो को भी लाइव किया था। और एक ब्लॉग जो मेरा ये है ये कल से कंटिन्यू चल रहा है, तो सारे ही काम चल रहे हैं, घर की क्लीनिंग, नमकीन, दिवाली की तैयारियाँ और साथ में ब्लॉगिंग भी। तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, हालत ख़राब हो जाती है। तो ये देखिए, ये अभी थोड़ी देर में इनको सूखने के लिए रखूंगी, उसके बाद इन्हें फ्राई करेंगे और तब तक ये भी आ जाएंगे, हस्बैंड भी आ जाएंगे। तो इस बीच में था कि मैगी बना लेती हूँ, तब तक ये थोड़ी सी सूख जाएंगी तो इनको फ्राई भी कर लेंगे। तो बस यहाँ पर ऑयल गरम हो चुका है और अब इनको फ्राई कर लेते हैं ताकि ये काम भी निपट जाए क्योंकि फिर मुझे खाना भी बनाना है। हालांकि खाने में तो ये लोग बोल रहे हैं कि दाल चावल ही बना लो, हल्का फुल्का बना लो क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा हो चुकी है मेरी आज सुबह से लेके अभी तक। तो अथक तो वैसे भी दाल चावल शौक से खाता है, फिर इन्होंने भी बोला दाल चावल ही बना लो हल्का फुल्का, साथ में ये नमकीन भी टेस्ट कर ही लेंगे तो पेट फुल हो जाएगा। तो ये देखिए नमकीन मेरी तल ली है मैंने और ये देखिए इस तरीके का कलर रखती हूँ मैं, ना ज़्यादा डार्क ना ज़्यादा हल्की, काफ़ी अच्छी लगती हैं और काफ़ी अच्छी बनी भी हैं। इस बार खस्ता बनी है और थोड़ी सी मैंने मोटी बनाई थी, मोटी बनाओ पतली बनाओ ना तो फिर वो सिकुड़ सी जाती हैं, तो इस बार थोड़ी सी मोटी रखी है मैंने, तो काफ़ी अच्छी नमकीन बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं ये क्या बोलते हैं इनको, नमक पारे बोलते हैं हमारे यहाँ, तो मटर बोलते हैं इनको, तो ये बना के आ गई हूँ। कुछ इन लोगों ने खा लिए, भोग के लिए मैंने अलग निकाल दिए थे, अवाती ब्राह्मण के लिए मैंने निकाल दिए। अवाती ब्राह्मण मतलब जो हमारे पूर्वज होते हैं ना, उनके लिए निकालने होते हैं हम लोगों को, तो उनके लिए भी निकाल दिए हैं। अब कल फिर बनाऊँगी तो बहुत कम हो गए क्योंकि 1 किलो मैदे के बनाए थे और बनाने पड़ेंगे और तरह की नमकीन भी बनाऊंगी। तो अभी बहुत थक गई हूँ और कल मुझे नीचे जो ड्राइंग रूम है उसकी भी क्लीनिंग करनी है, प्लस सोफ़ा बैक कुशन कवर वगैरह जो मैं लेके आई हूँ ना न्यू, वो सब मैं कल ही लगा दूंगी जिससे मैं नीचे से फ्री हो जाऊँ और कोई गेस्ट भी आए तो रूम सेट रहेगा। तो कल ही उस रूम की सेटिंग करके आ जाऊँगी और दोपहर को थोड़ा बहुत मार्केट का काम रहेगा प्लस नमकीन बनाने का भी रहेगा। तो अभी मैं सोच रही हूँ बस ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मेरा पैर भी दर्द हो गया है खड़े खड़े, क्योंकि आप लोग जानते हैं दोनों पैर में मेरे फ्रैक्चर हो रखा है तो ज़्यादा देर में खड़ी नहीं रह सकती और आज तो दिन भर से मैं काम कर रही हूँ। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।